नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र, और जौनपुर में मौजूद हूँ इस समय। और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग खंडर जैसी देख रहे हैं, ये जौनपुर मेडिकल कॉलेज, जब ये शुरुआत हुआ था बनना तो जौनपुर मेडिकल कॉलेज इसका नाम था। लेकिन ज़रा कैमरा घुमाइए, और जब हम कैमरा घुमाते तो नाम इसका बदल के कर दिया गया है, ओमनाथ सिंह सोशवाई राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर। तो ओमनाथ सिंह के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। चलिए, लेकिन 25 अक्टूबर को ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं खंडर जैसी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कर देते हैं, और ये कहते हैं कि नवंबर से इसमें जो शिक्षा की जो वो है प्रक्रिया जो है वो नवंबर से शुरू हो जाएगी। दिसंबर, आज मैं जब बात कर रहा हूँ तो दिसंबर 22 है, लेकिन अभी तक ये बन के ना तैयार हुआ और ना इस स्थिति में लग रहा है कि इसमें कुछ काम हो सकता है। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर से वीडियो आपको दिखाई जाए, अंदर से बिल्डिंग के क्या हालात हैं वो दिखाए जाएँ, कुछ व्यवस्था है या नहीं, कुछ मशीनरी है या नहीं, डॉक्टर हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँ कि अगर चलिए बिल्डिंग ख़राब है तो अंदर की व्यवस्था क्या पता ठीक हो। लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो बाहर से थोड़ा और जितना नज़दीक हो सकता उतना नज़दीक कम से कम चल लेते हैं। तो यहाँ से तस्वीर हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये जौनपुर मेडिकल कॉलेज के हालात हैं। लोग हमें बताते हैं कि बीते 5 साल में कोई काम नहीं किया गया, अब जब सरकार का अंतिम समय है, मतलब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, इस सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जितने चीज़ों का उद्घाटन किया जा सके, जितने चीज़ों का शिलान्यास किया जा सके वो करने की कोशिश की जा रही है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जौनपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। पूरा समय बीत गया, ये आप देख रहे हैं, 500 बेड की इसमें उपलब्धि थी, 500 बेड का ये मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था, तैयार हो रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास किया था, इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की सरकार में, बीती जो 5 साल की सरकार 12-17 की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी, शिलान्यास किया गया था। लेकिन 5 साल इस सरकार के भी बीत गए और मोदी जी आए और उद्घाटन करके चले गए। इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जा सकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये जो आप बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे सामने, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काम थोड़ा बहुत चल रहा है, और किस तरीके से चल रहा है ऐसा लग रहा है, चुनाव नज़दीक हैं तो काम हाल ही में शुरू हुआ है। जो सरियाँ ऊपर लगी हैं वो हालात उसके इस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत समय तक काम रुका हुआ था। ये यहाँ पे ये जो तस्वीर हम आपने पास में देख रहे हैं, ये भी इस तरीके के बता रही, काम बहुत अरसे से रुका हुआ था लेकिन अब काम शुरू हुआ है, कि क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। तो जो हमें लोग बताते हैं कि बीते 5 साल में जैसा ये था उसके बाद एक ईंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाई, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है तो उद्घाटन भी हो रहा है और काम भी शुरू हो चुका है। नवंबर में कहा जा रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तो ये कहा कि नवंबर से इसमें जो जितनी भी मेडिकल कॉलेज में जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी शुरू हो जाएंगी, बच्चों का पढ़ना लिखना इसमें शुरू हो जाएगा, सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दिसंबर 22 आज है और आधे से ज़्यादा दिसंबर बीत चुका, लेकिन कोई शुरुआत नहीं। कभी भी ये जितने भी शिलान्यास और जितने भी उद्घाटन जल्दी से जल्दी किए जा रहे हैं, ये मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो फटाफट जो सरकार कर सकती है वो कर दे रही है। प्रधानमंत्री दोबारा से बनारस आने वाले हैं 23 तारीख को, अभी एक हफ्ते बनारस रह के गए और गंगा जी में डुबकी भी लगा के गए, वो सारी तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी हैं। इलाहाबाद में मोदी जी थे और किस तरीके से बसों में भर के महिलाओं को लाया गया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तस्वीर है मेडिकल कॉलेज, हम लोग यहाँ पे आए, हमने कहा जौनपुर में हैं, शहर में थे तो सोचा कि मेडिकल कॉलेज, जौनपुर मेडिकल कॉलेज के क्या हालात थे वो दिखा दें। इसके हालात जो हैं खंडर, अगर हम किसी को देखें तो उसके हालात इससे बेहतर होते हैं, अगर इसको आप मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, अगर इसकी आप शुरुआत कर चुके हैं, दिसंबर आधा बीत चुका है, आधे से ज़्यादा नवंबर में शुरुआत होनी थी, उस हिसाब से देखा जाए तो अफरा तफरी में इसका उद्घाटन करके मोदी जी चले गए हैं। और आने वाले समय में ये भी कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। तो इसी तस्वीर के साथ, जौनपुर मेडिकल कॉलेज की तस्वीर के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जौनपुर मेडिकल कॉलेज नाम था, लेकिन अब जो है ओमनाथ सिंह स्वशासी राज
चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर हो गया है। तो उमाना सिंह के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया और नामकरण के साथ साथ उद्घाटन भी कर दिया गया। तो नाम बदला और उद्घाटन किया और तमाम चीज़ें कुछ इसी तरीके से चलती हैं। 100 का 112 कर दिया गया था तो वो भी नाम बदला गया। तो यही कुछ तस्वीरों के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश की क्या है दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।